ये लव मैरिज है अरेंज मैरिज? अरेंज लव मैरिज, लव मैरिज जो कि अरेंज होने वाली है। प्यार हुआ कैसे था? What do you mean? मेरा मतलब ये है कि पहले आप मिले होंगे, फिर दोस्ती हुई होगी, फिर प्यार हुआ होगा, फिर एक दूसरे को प्रपोज किया होगा। मैं बताती हूँ ना, एक्चुअली मैं बहुत स्पोर्टी टाइप की लड़की हूँ, तो एक दिन मैं जॉगिंग कर रही थी, जॉगिंग करते करते मैंने देखा एक बहुत ही छोटी सी क्यूट सी पिंक कलर की बास्केट है, उसमें बहुत ही क्यूट सा पप्पी है। कलर व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट डैल्मेशियन। तो वो जो छोटी सी बास्केट में क्यूट सा पप्पी था ना, उसके कॉलर में एक नोट लिखा हुआ था, मुझसे मिलो। आपकी शादी पप्पी से हो रही है या इनसे? इनसे। लेकिन नोट तो पप्पी के गले में था। एक्चुअली वो जो नोट था ना, वो मैंने लिखा था। हाँ। और उसके बाद इनकी जॉगिंग खत्म हो गई, ये वो पप्पी और बास्केट वहीं छोड़कर घर आ गई। और जब मैं घर वापस आई ना, तो मैंने देखा कि पूरा घर फूलों से सजा हुआ है, पिंक कलर के रोजेस, तेरे फेवरेट फ्लावर्स, और रूम के बीचों बीच मिस्टर खान डाउन ऑन वन नी, और फिर मैं खड़ा हुआ, क्योंकि जो पिज्जा बॉक्सेस मिस आरुकी ने जमीन पे फेंके थे, उसे मैंने उसकी सही जगह पे फेंक दिए डस्टबिन में। और फिर क्या हुआ? तो मिस्टर खान मेरी तरफ पलटे, म्यूजिक बजने लगा, और जैसे पंखा चला, सारे फ्लावर्स मेरे ऊपर आके गिरे। और फिर ये जाग गई, क्योंकि ये सो रही थी, वो जॉगिंग के बाद बहुत थक गई थी, तो ये इनका ख्वाब था। हाँ, तो जैसे मैं ख्वाब से उठी, मैंने देखा मिस्टर खान सामने खड़े मुझे देख रहे हैं, और फिर मिस्टर खान ने कहा, मिस फारूकी क्या आप मुझसे निकाह करेंगे? और उन्होंने कहा हाँ, स्टोरी खत्म। अब आप मुझे बताइए मिस्टर खान, के जब आप इनको पहली बार मिले तो क्या हुआ था? मैं बताती हूँ, when I saw him for the first time, अल्लाह मियाँ, एकदम हीरोइक एंट्री की थी इन्होंने, एकदम हीरो की तरह घोड़े पे बैठे हुए थे। वो क्या है ना सर, कि इन्होंने भी मुझे देखा था, मजार में थी, उनके सर पर एक काले रंग की शॉल लिपटी हुई थी, थोड़ी डरी हुई, थोड़ी सहमी हुई। लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत। एक हवा का झोंका है और इनके सर से वो शॉल रख के आंखों में आंसू थे। आंसुओं से घिरी दुआ मांग रही थी, क्वेश्चंस? नहीं, फिलहाल मुझे मेरे सब सवालों के जवाब मिल गए, चलता हूं अब। सगाई मुबारक हो। थैंक यू। शिरीन, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम आयान की सगाई रातों रात करने के लिए कह रही हो? आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन सच तो ये है कि आयान के ऊपर किसी बला का साया है। राशिद, इससे पहले कि वो बला हमारे बच्चे को घेर ले, उसकी सगाई करवा दीजिए। शिरीन, तुम फिर से उस काले जादू वाली बात पर यकीन कर रही हो? अरे मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है राशिद, आपको पता नहीं है मुझे क्या क्या मिला है, क्या क्या पता चला है। क्या मिला है तुम्हें, क्या पता चला बताओ, बोलो। पता चला है कि ये करवाने वाला, अल्लाह जाने
अल्लाह जाने ये करवाने वाला कौन है। देखिए राशिद मियां, काले जादू का सच तो हम नहीं जानते, हाँ लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अयान हुमैरा से निकाह करना चाहता है। अब देखिए ना, देर सबेर रस्में तो होंगी ही ना, तो अभी क्यों नहीं, और निखत के निकाह की तैयारियां तो हो ही रही हैं, साथ साथ दूसरा निकाह भी हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। शिरीन, तुम्हें किसी के वहम में पड़कर जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सगाई करना बच्चों का खेल नहीं है, ये फैसले बहुत सोच समझ के किए जाते हैं। मैं किसी वहम में नहीं हूँ राशिद, मैं अगर अपने बच्चे की सगाई करवाना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है। गलत ये है कि ये फैसला तुमने नहीं लिया, तुमसे करवाया गया है। हमने कहा ना, ये निकाह नहीं होगा। अम्मी आप इन मसलों से दूर रहिए। अयान मेरा बेटा है, उस पर मेरा हक है, मुझे उसकी जिंदगी के फैसले लेने दीजिए। और फिर मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, वो भी यही चाहता है, मैं भी यही चाहती हूँ। राशिद को भी एतराज नहीं है, फिर आप अकेले क्यों एतराज कर रही हैं? शिरीन, अगर अयान ने हाँ की होती सगाई के लिए तो हम खुद उसकी सगाई करवाते। उसने हाँ नहीं की, वो तो बेचारा रजिया की साजिश का शिकार बना हुआ है। और अब तुम भी। साजिश कौन कर रहा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अम्मी। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? नहीं अम्मी, मैं सब देखती हूँ, मुझे सब समझ में आता है, मुझे सब पता है। आप मुझे पसंद नहीं करती, आप हमेशा से दिलशाद को चाहती थी और आज भी दिलशाद को चाहती है। शिरीन, मुझे बोलने दीजिए। आप अभी अपने पोते असद को सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। आप चाहती हैं कि राशिद दिलशाद के पास लौट जाए, और दिलशाद इस घर पर काला जादू करवा रही है, और आप अम्मी आप उसकी मदद कर रही हैं। ये क्या बकवास है श्री? क्या बकवास कर रही हो तुम? दिलशाद काला जादू करवा रही, अम्मी उसकी मदद कर रही है, ये कैसा बेहुदा इल्जाम लगा रही हो तुम? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, मत कीजिए, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे की सगाई करने की इजाजत दे दीजिए राशिद। मेरा बेटा एक लड़की को पसंद करता है, मैं उसके साथ उसकी सगाई करवाना चाहती हूँ, तो गलत क्या है? उसमें सबको इतना एतराज क्यों है? श्री, मेरी बात सुनो। श्री राशिद, इस वक्त वो किसी की बात नहीं सुनेगी। जब एक माँ को लगता है कि उसके औलाद के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छी चाल चली तुमने रजिया, तुमने शिरीन को यकीन दिला दिया कि दिलशाद और हम मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। दुनिया से आपको रुखसत तो वो करेगा, अलबत्ता यहां से आपको रुखसत करने की जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली है। बड़ी भी आप देखिएगा कि आप इस घर से बहुत
जल्द बाहर जाने वाली। ये खेल खेलना शरीफों के बस की बात नहीं है, इतना नीचे गिरना भी एक हुनर होता है। ठीक कहा रजिया, जब दुश्मन हैसियत में खुद से छोटा होता है तो इंसान को चाटा लगाने के लिए उसे झुकना पड़ता है, हमारे चाटे का इंतजार करना। मैं ये सगाई करने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर सोच लो, कहीं किसी के दबाव में आकर तो नहीं कह रहे? नहीं दादी, मैं हुमैरा से वाकई में सगाई करना चाहता हूँ। अयान, अगर तुम्हें अपने फैसले पर सोचने के लिए और वक्त चाहिए तो। नहीं अब्बू, मम्मी चाहती हैं कि सगाई चलती हो तो सगाई चलती होगी। अयान बेटा, आपने ये कह के हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। फिर तो हमें फौरन तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, ये हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, अल्लाह कसम ऐसी सगाई करेंगे जैसे कभी भोपाल में पहले किसी ने देखी ही ना हो। चलो शिरीन, हम लोग सगाई की तैयारियां करते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सगाई मेरी जिंदगी का एक बड़ा कदम है और मैं ये कदम उस इंसान के बगैर बिल्कुल नहीं लूंगा जिसने मुझे मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ये असद भाई, मैं ये सगाई तभी करूंगा जब मेरे भाईजान मेरी सगाई में शरीक होंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यार? हम असद अहमद खान को बुलाएं, वो भी इस घर में? होश में तो हो तुम? देखो यार बेटा, हमारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है उस घर से। तो फिर हम हो या ना हो, मेरा है, मेरा उस घर से ताल्लुक है। मेरा मेरे भाई के साथ रिश्ता है और वो इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता है। मैं ये सगाई तभी करूंगा जब मेरी शर्त मानी जाएगी। कहिए, मंजूर है तो ठीक है, फिर मैं आपका वीजा एक्सटेंड करने की फॉर्मेलिटीज शुरू कर देता हूं। थैंक यू। कुछ और चाहिए होगा तो आपको फोन कर लूंगा, ठीक है? हाँ, मुझे कुछ वो सगाई की फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी। हाँ, कोई बात नहीं, हम आपको भिजवा देंगे, नो वरी। क्यों जी? जी देखिए, आपके पास टाइम बहुत कम है इसलिए आपको जल्दी करना पड़ेगा। बाय द वे, सगाई कब है आपकी? कल। परसों। साफ साफ बताइए, कल या परसों? क्या है ना, कल या परसों में से किसी एक दिन करने के बारे में सोच रहे हैं हम। जी जी। देखिए, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं। सोच के बताइए, कल या परसों, क्योंकि मुझे ये बात अपने नोट्स में लिखनी है। सर, कल ही लिख दीजिए ना। बेटा कल का लिख दो। वो सिर्फ लिखती है, लिखवाता मैं हूं। सॉरी सर। चलो, अल्लाह हाफिज़।
जाल लगाइए। अयान बेटा, हमें मंजूर है, हम असद को बुलाएंगे, तब तो आप तैयार हैं कल सगाई करने के लिए? मैं कल सगाई करने के लिए तैयार हूँ। अब कह दिया है तो सगाई तो करनी पड़ेगी। अम्मी, वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि मिस तारू की रुक जाए। तो आप चाहते हैं मिस्टर खान की मैं रुकूं? देखिए मिस फारूकी, आप रुकना चाहती थी इसलिए मैंने आइडिया सजेस्ट किया, और वैसे मेरा आइडिया आपके चिकन पॉक्स वाले आइडिया से बेहतर था। ओ रियली? अगर इतना बेहतर आइडिया है तो कर लीजिए सगाई। आप मुझसे सगाई करना चाहती हैं? जी। नहीं जी नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपके सुपर स्मार्ट आइडिया की वजह से हम सब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अगर मेरा आइडिया इतना बुरा है तो आप कहानियों पर कहानियां क्यों बना रही? और आपको वीजा एक्सटेंशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने वो आइडिया दिया था, याद रखिए। Instead of thanking me, you... Oh, please, please, बस करो ये आर्गुमेंट, बस करो। असद, अब उनको अगर एक फोटो देनी है तो रस्म तो करनी पड़ेगी ना? अम्मी, I'm sure इन्हें वीजा एक्सटेंशन मिल जाएगा, हमें नकली सगाई करने की कोई जरूरत नहीं। असद, सिर्फ एक अंगूठी ही तो पहनानी है। अम्मी, सगाई का मतलब सिर्फ अंगूठी पहनाना नहीं होता, और मैं अपने या किसी और के फायदे के लिए इतनी पाक रस्म और रिश्तों का मजाक नहीं उड़ाता। जोया, तुम फिक्र मत करो, मैं असद को मना लूंगी और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये सगाई नकली है। लेकिन मैं धुरंधर भटावडेकर के सामने सच लाकर रहूंगी। डॉली, जोया फारूकी के वीजा के एक्सटेंशन पेपर तैयार करो। ओके सर। हेलो, कौन बोल रहा है? बस यूं समझ लीजिए कि हम अपने मुल्क के खैर ख्वाह बोल रहे हैं, वेलफेयर ऑफ द नेशन। मेरे पास आपके लिए खबर है, जोया और असद की सगाई के बाद एकदम छुट्टी है। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। धुरंधर भटावडेकर की शातिर नजर से कोई बात छिप नहीं सकती। वो तो मैं ड्रामा कर रहा था उनकी बातों पे यकीन करने का, ताकि उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। और अब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा और इस देश से बाहर भेज के ही रहूंगा। थैंक यू। डॉली। यस सर। पेपर कैंसिल। ओके सर, यू आर अ जीनियस सर। डॉली, कोई नई बात करो। चल चल जल्दी से उमेना को खुशखबरी देते हैं। बाजी, कल आपकी सगाई होने वाली है, मुबारक हो। क्या हुआ हुमैरा? क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं। मेरा, चलो मेरे साथ, कुछ तैयारियां करनी है। हाँ।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कल सगाई है। तुम्हें किसने बताया? और ऐसा कुछ नहीं? नहीं भाई साहब, कल हुमैरा से मेरी सगाई है। क्या जी, आपने क्या समझा? नहीं कुछ नहीं। ये सब इतना जल्दी कैसे? वो सब मत पूछिए भाईजान, बस इतना समझ लीजिए कि कल आपके भाई की सगाई है और आपको आना है। आयान, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। मैं वहां नहीं आ सकता। असद, मैं जानता हूं कि तुम उससे बात नहीं करना चाहते, लेकिन प्लीज फोन मत काटना। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, अयान से नहीं। कल अयान अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा है और वह चाहता है कि जिंदगी में जब अपना पहला कदम बढ़ाए तो उसका भाई उसके साथ हो, उसके पास हो। क्या तुम अयान के लिए इतना भी नहीं करोगे? आप मुझे अपने घर बुला रहे, मिस्टर राशिद अहमद खान। और आपको वाकई लगता है कि मैं वहां आऊंगा? क्या तुम अपने भाई के लिए भी नहीं आओगे? अपने भाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन उस घर की दहलीज पर कभी पैर नहीं रखूंगा जिसने मेरी अम्मी की सारी खुशियां छीन ली थी। के लिए भी नहीं। मैं जानता हूं एक बार मैं अम्मी के लिए वहां आया था, लेकिन उस वक्त जैसे हालात थे, अगर वैसे ना होते तो वो गलती भी मुझसे कभी नहीं होती। असद मेरी बात सुन। हेलो हेलो, कल अयान की सगाई है। मिस्टर खान कभी वहां नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें वहां ना देखकर अयान का दिल टूट जाएगा। मिस्टर खान ने वीजा एक्सटेंशन में मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं मिस्टर खान को अयान की सगाई में भेज कर ही रहूंगी किसी भी तरह।